आपके सामने एक और नया केस, जो सेकेंड केस बोल सकते हैं। जो सेकेंड केस ये बोलता है कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेसिबल इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट द सेम वर्टिकल प्लेन एज एन एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दोनों इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट सेम वर्टिकल प्लेन में, सेम लाइन में, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। लेकिन उसमें भी डिफरेंट और सेम लेवल की बात हो रही थी, तो सेम लेवल के भी आपने केस देख लिए होंगे। डिफरेंट लेवल में भी जो ऑब्जेक्ट के नियर में है, अगर वो लोअर है उसके लिए देख लिया था। अभी केस जो देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के जो नियर है वो अगर हायर है, एक्सिस, एक्सिस हाइट ऑफ एक्सिस वो अगर हायर है तो उसके लिए कैसे केसेस बनते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। आप देख सकते हैं इस तरीके का है, बेस एक्सेसिबल नहीं है। बेस यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख नहीं रहा है, यहां से मैं देख रहा हूं तो जो पहला वाला है, देखिए ध्यान से, इसके पहले वाला, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए इसको यहां पर बना लिया, थोड़ा सा यहां पर बना लिया, इसकी हाइट ज्यादा है, मतलब यहां पर है, ठीक है, आई थिंक थोड़ा और इसकी ज्यादा हाइट करनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना लेता हूं, नहीं तो पूरा कॉन्क्रीट मिक्स हो जाएगा। कैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब यहां पर मेरा बेस मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, हर बार पी क्यू ले रहा हूं। अब चलो दूसरा ले लेते हैं, क्यों सर, पी क्यू, पी क्यू में क्या है, आप ले ले तो ए ले लो और ये बी ले लो, ठीक है। अब जो नजदीक में है इसकी हाइट यहां पर है कुछ, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, ये पी रख देते हैं, और ये जो है वो लोअर है, छोटा है, इसी कंपेरिजन में क्या है, छोटा, ये हायर है, बात किया है, नियर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, हाइट लेवल है, ठीक है, यहाँ का बेंचमार्क आपको पता है, ठीक है। यहां से मैंने क्या करके लेवलिंग स्टाफ रखा, एक तो मेरा ये लेवल आ गया, सही जा रहा है, सीधा जा रहा है, ओके, तो एक तो मेरे को ये मिला होगा हाइट, कुछ कितना मेरा, मान लो इसको एस लिख देते हैं, एक ये वाला लेवल होगा, ठीक है, ये मान लो कि कुछ आ रहा हो, लास्ट टाइम पे अजम्पशन कुछ और था, इस बार का जब कुछ और है, ये इतना एस है, और इसको मैंने मान लिया था इन दोनों के बीच की गैपिंग को एच डी, हाइट डिफरेंट, और ये एच डी के लिए मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे कि या तो आर माइनस एस करो, देखो लास्ट वाला फॉर्मूला देखोगे तो अलग होगा, क्योंकि अजम्पशन वहां पे ये एस लिया था, ये आर लिया था, और यहां पर ये आर लिया, ये एस लिया। अच्छा, एच डी इक्वल टू, एक और मैंने बोला था कि यहां से इसका लेवल कुछ है, और यहां से मान लीजिए ये वाला हाइट एच वन है और ये है एच टू, ठीक है। अब यहां से पहले वाला देखिए तो इसको अल्फा, और यहां से देखिए तो इसका एंगल बीटा है, ठीक है। प्रोसीजर वही है जो पहले मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इसमें और उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे, क्या सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, इसका नाम कुछ रख देते हैं, ये कुछ भी रख दो, एम एन टी, ठीक है, इसके लिए टी तो रखा ही है, एक्स वाई जेड भी रखा है, नहीं रखा, कर लेते हैं, एक्स ये हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा वाई, और ये ए है, ठीक है। एक ट्रायंगल लेंगे एम एन टी, इन ट्राइंगल एम एन ए जब लेते हैं तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल टू ये एच टू, एच टू अपॉन ये डी, एच टू अपॉन डी, तो एच टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टेन अल्फा। अच्छा, एक और चीज बताना था कि इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना है, डी है, जो डी मैंने इंडिकेट किया, हाइट अपन ये, अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एच टू और ये डिस्टेंस डी, अरे दोनों स्टेशन के बीच का भी डिस्टेंस ये हमें पता होता है, ये नहीं पता होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता होता है, बट ये पता होता है, दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच का डिस्टेंस भी पता होता है। तो एक तो इक्वेशन ये बन गया, दूसरा ट्राइंगल अगर आप लेते हो, कौन सा ट्राइंगल, देखिए यहां पे एक्स है, वाई है, ए है, एक्स
वाई ए बगल लेते हैं, तो इसमें टेन बीटा अगर करते हैं तो टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा, एच वन अपन ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, डी प्लस बी है, तो क्या आ जाएगा, एच वन अपन बी प्लस डी आ जाएगा। एच वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लीकेशन होगा, बी प्लस डी टेन बीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि एच वन माइनस एच टू करेंगे तो एच डी आएगा, तो कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या होगा, एच वन माइनस एच टू कर रहे हैं, एच वन क्या है, ये बी प्लस डी, या तो इसको तोड़ भी सकते हैं, बाद में तोड़ लेते हैं, टेन बीटा, तोड़ना किसको, ब्रैकेट को, आप किसी को भी मत तोड़ देना, यहां पर डी टेन अल्फा, ओके। एच वन माइनस एच टू मतलब ये एच वन है और ये एच टू है, माइनस कर दिए, ये हो गया मेरा एच डी। अब यहां पे इसको तोड़ सकते हैं, बी इंटू टेन बीटा प्लस बी इंटू टेन बीटा, यहां पे डी टेन अल्फा है, ये क्लियर। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो बी टेन बीटा है इस तरफ ले आके माइनस कर देंगे, होगा उस तरफ प्लस है तो इस तरफ आएगा क्या होगा, माइनस होगा, मतलब एच डी माइनस बी टेन बीटा, दिख रहा है, ओके। और इस तरफ क्या है, डी अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ रहा है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ रहा है, ध्यान समझना, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ रहा है, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ रहा है, क्लियर। अब डी के साथ ये मल्टीप्लीकेशन है, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरफ तो हाई है, डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू डी आया, ये ध्यान रखना फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ध्यान से समझेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, एच मुझे निकालना है, चाहे एच वन निकालो चाहे एच टू निकालो, उससे काम बन जाएगा। तो अगर एच टू मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे, अगर एच टू निकालते हो तो कुछ और होगा, एच वन निकालते हो तो कुछ और फॉर्मूला होगा, तो एच टू के लिए क्या हो रहा है, डी की वैल्यू ये है, तो एच डी माइनस बी टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, उसके साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन, देखो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। एच वन भी ऐसे निकाल सकते हो, एच वन क्या है, ये है बी प्लस बी टेन बीटा है, ये डी की जगह पर पुट करोगे, थोड़ा सॉल्व करोगे तो आएगा, डायरेक्ट आपके पास डी का कैलकुलेशन आपने कर लिया, वैल्यू आ गई, तो वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर दोगे, ये वैल्यू पता होगा, ये वैल्यू तो एच वन भी मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आरएल एट ए चाहिए, आरएल एट ए चाहिए, तो ये पहला होगा आरएल एट बेंचमार्क, पहले बेंचमार्क का प्लस, अगर मान लीजिए कि ये एस लेते हो तो ये लेवल होगा और ये लेवल में एच वन एड करोगे, एस लेते हैं तो एच वन एड करेंगे तो ये आरएल का मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आरएल एट ए, ये आरएल ऑफ बेंचमार्क तो है, ये तो मेरा रेफरेंस है, प्लस अगर एस की जगह मैं ये आर लेता हूं, देखो आर लूंगा तो ये हाइट आएगा, ये हाइट पे एच टू एड करना होगा, आर लिया तो एच टू एड किया तो ये वाला टेक्निक से मैं दूसरा मिल जाएगा। तो कोई भी आप टेक्निक से इसको आरएल फाइंड आउट कर सकते हो, मेन पर्पज है इस पॉइंट का या कहीं पे भी किसी एलिवेटेड पॉइंट का आरएल फाइंड आउट करना है तो उसी पॉइंट पे इसको ले जाके एंगल नोट डाउन करेंगे और उसके बेस पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाता है उसके बेस पे आरएल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्लियर हो रहा है, ये मेरा ये चौथा केस हो गया, समझिए टोटल फाइव केसेस है। अब आएगा जो बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इन डज नॉट सेम वर्टिकल एलिवेटेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम नहीं होगा, वर्टिकल प्लेन में नहीं है, एक स्टेशन यहां है तो एक स्टेशन वहां है, ऑब्जेक्ट यहां पे, इस तरीके से वो केसेस होगा, तो उस केस को अलग से मैं समझा दूंगा। तो ये जितने भी बताए हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा और आपको जैसे मैं क्वेश्चन लाया तो उसके बेस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन से केस की बात कर रहा है, उस केसेस से रिलेटेड हम खुद ही ये ऐसा डायग्राम बनाएंगे और उसके बेस पे फॉर्मूला बनाएंगे और वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होता है तो कमेंट करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड
शेयर जरूर करें। सो थैंक यू।